हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी नेवी फास्ट एकेडमी। नेवी फास्ट एकेडमी में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज कुछ महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं इंडियन नेवी डबल ए और SSR और MR तीनों के बारे में। क्या इसका सीन आगे रहने वाला है और क्या आगे का प्रोसेस होने वाला है। नोटिफिकेशन जो वायरल हुआ था वो फेक नहीं था, रियल ही था, लेकिन कुछ एकेडमी वाले ने केस कर दिया अपने आप को हीरो समझने के लिए। इसके वजह से थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा। जो उनका प्रोसेस है वही प्रोसेस है, उनका सिलेक्शन किया जाएगा। तो यही सब टॉपिक पर आज बात करने वाले हैं और सारे डाउट क्लियर कर देंगे आपको कि क्या क्या होने वाला है प्रोसेस आगे का। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मैं ज़्यादा वीडियो बनाता नहीं हूँ, जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है कि जानकारी देना चाहिए उसी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाता हूँ, ताकि सबको मालूम हो सके क्या आगे का सीन होने वाला है नेवी के अंदर। तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी जय हिंद लिख दीजिएगा, ताकि हमें अच्छा लगे। और जो भी इन्फॉर्मेशन हम देते हैं नेवी और कोस्ट गार्ड के रिलेटेड 100% रूल रहता है, तभी हम वीडियो बनाते हैं, वरना ऐसे ही वीडियो हम नहीं बनाते हैं। हमें सब्सक्राइबर और लाइक शेयर से कोई मतलब नहीं रहता है कि हमारा सब्सक्राइब हो जाएगा तो इतना इयरनिंग का हमें कोई मोटो नहीं है। हमें इयरनिंग करना ही नहीं है, सिर्फ हमारा एक ही मोटो है सभी नेवी और कोस्ट गार्ड के स्टूडेंट को सही अपडेट देना और सही इन्फॉर्मेशन के साथ उनको अच्छा से बताना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ है नोटिफिकेशन बहुत जल्द। आखिर ऐसा क्यों लिखा हुआ है? और सबसे बड़ा मुद्दा का बात मैं आपको बताने वाला हूँ, एग्ज़ाम किस मोड में होने वाला है और पद इस बार कम से कम 3000 प्लस पद नेवी के द्वारा निकाले जाएंगे। और पिछले वाले नोटिफिकेशन जो आया था, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 26 अप्रैल से आपका फॉर्म स्टार्ट किया गया था अगस्त 2021 के लिए, और 5 मई का लास्ट डेट था। सभी को आप लोग को पता होगा। तो कुछ इस बार भी ऐसा ही सीन होने वाला है, जहाँ तक मुझे उम्मीद है और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इस बार भी 22 या 23, मतलब सब मिलाकर 25 या 26 को फिर से इस बार भी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने वाला है और 8 से 10 दिन को आपको टाइम मिलेगा। तो जो भी आपका डॉक्यूमेंट अगर नहीं बना है तो डोमिसाइल तैयार करवा लीजिए, ताकि आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और सबसे बड़ी बात है कि एग्ज़ाम मोड इस बार क्या रहने वाला है, बहुत सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। एग्ज़ाम मोड इस बार क्या रहने वाला है, तो मैं आपको बता देता हूँ स्पष्ट रूप से कि आपका एग्ज़ाम इस बार भी ऑफलाइन ही कंडक्ट कराया जाएगा। अगर कोई बोलता है कि आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन कराया जाएगा तो बिल्कुल भी रॉन्ग बोल रहा है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, आप भी पढ़े लिखे इंसान हैं तो आप तैयारी करते हो तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हो चुका है, उसका रिजल्ट आएगा 15 दिन में, और नेवी ने अभी तक फॉर्म नहीं दिया है और कोस्ट गार्ड के साथ अगस्त बैच का ट्रेनिंग स्टार्ट करेगा, तो पॉसिबल है? नहीं है।
इम्पॉसिबल है ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, और वो बैच को कैंसिल भी नहीं करेंगे। अगर कोई व्यक्ति आपको बोलता है कि अगर बैच कैंसिल हो जाएगा ऑनलाइन होगा, तो बेवकूफ़ आपको बना रहा है, बेवकूफ़ी आप मत कीजिए। इस बार भी एग्ज़ाम मोड ऑफलाइन ही रहने वाला है, मैं आपको स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ कि इस बार भी आपको एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा। और इस बार करीब 3000 के लगभग पोस्ट रिलीज किए जाएंगे नेवी की तरफ से। तो यही हमारा अपडेट था और यही इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाले थे कि नेवी की तरफ से जल्द ही नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा, और इस बार भी प्रोसेस उनका ऑफलाइन का ही रहेगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा उन बच्चों तक, उन स्टूडेंट तक, उन भाई तक जो नेवी का तैयारी करते हैं। और हमारे कॉमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में स्टेट वाइज कटअप का वीडियो बना दिए हैं, तो उसका लिंक प्रोवाइड करा देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर अपना स्टेट का कटअप देख लीजिएगा क्या रहने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अगर कोई दूसरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा तभी हम वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।